मतलब ये कि बच्चों मकई के दाने हैं और बारिश है और मिट्टी है, मिट्टी और विंड तेज हवा और सूरज, सूरज और चांद और मकई के दाने, ये सारी चीजों को वो भगवान मान के पूजते थे। सूरज की पूजा करते, चांद की पूजा करते, मिट्टी की पूजा करते, जब बारिश आती तो बारिश की तरफ पूजा करते हुए ठहर जाते, और जब तेज धार हवा चलती तो तेज धार हवा को पूजा खुदा समझकर उसे पूजना शुरू करते। उसके अलावा इनके अंदर और एक भी रिवाज था इंसान को कुर्बान करने का, यानी मतलब ये कि बहुत इंसान की बलि देते थे, छोटे बच्चों की बलि दे देते थे, बूटों की बलि दे देते थे, बलि यानी कुर्बान कर देते थे, मार देते थे उन्हें तो। लेकिन ये उतना ज्यादा नहीं था, बहुत कम था। अब सेकंड स्टेट जो आबाद हुआ अमेरिका में वो है एजटेक्स, एजटेक्स ओके। मैक्सिको शहर में एक नदी है लोगों बच्चों, जिसका नाम है टैक्सको, टैक्सकोको ठीक है। मैक्सिको शहर में ये एक नदी है जिसका नाम है टैक्सकोको। द एजटेक्स बिल्ट देयर सिटी ऑन एन आइलैंड इन दिस लेक। इस तालाब में एक आइलैंड है, आइलैंड मीन्स पानी के दरमियान छोटी सी जमीन, वो जमीन जिसके चारों तरफ पानी मौजूद हो उसे आइलैंड कहते हैं ठीक है। एजटेक्स लोग क्या करे, इस नदी तालाब के अंदर जो एक छोटी सी जमीन थी वहां पर अपना शहर आबाद किए ओके। बच्चों ये जो एजटेक्स है, एजटेक्स लोग हैं एक्चुअली क्या है, ये खानाबदोश लोग हैं। खानाबदोश यानी अमेरिका के रहने वाले लोग नहीं, दूसरे इलाके के रहने वाले, दूसरे कंट्री के रहने वाले, दूसरे खानदान के रहने वाले लोग हैं जो 13th century में मैक्सिको में एंटर हुए। जब ये लोग मैक्सिको में रहने आए तो जाहिर सी बात है वहां के रहने वाले लोग इन लोगों को रहने नहीं देते थे, और जब रहने नहीं देते थे तो दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह भी होती थी। तो इसलिए एजटेक्स लोग जो है रहने के लिए वहां के इलाके लोगों से बहुत मरतबा लड़ाई किए, जंग करे ठीक है। Thus they imbibed the culture of the, जंग भी करे, लड़ाई भी करे, और बहुत से लड़ाई करके वहां पर जिंदगी गुजारना शुरू की ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां के इलाकाई लोगों के गुलाम बन के रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां के इलाकाई लोगों से लड़के हक मार के हक अपना हक लेके रहे ठीक है। इसी तरह वहां पे रहकर ये लोगों ने वहां के कल्चर को शुरू किया, यानी वहां के कल्चर का नाम क्या था, टॉल्टेक, टॉल्टेक्स कल्चर, मायास कल्चर एंड ज़ैपोटेक्स कल्चर। माया तो पहले से थे, पहले से ही थे कल्चरल, टॉल्टेक्स और ज़ैपोटेक्स भी ये पुराने कल्चर थे वहां कर, वहां के। तो ये एजटेक्स लोग क्या किए, इस कल्चर को, इस रहन सहन के तरीके को अपना लिए रहने के लिए। मतलब ये कि अगर आपको कहीं नए शहर में आबाद होना है तो वहां के रीति रिवाज को अगर फॉलो करेंगे तो वहां पर आप आराम से रह सकते हैं। इसीलिए एजटेक्स लोग क्या किए, वहां के रहन सहन के तरीके को इस्तेमाल करें, और वहां पे रहकर वो लोगों ने एक इलाके, एक आइलैंड पे उन्होंने अपना, अपनी पनाह ली, रहना शुरू किए। एक आइलैंड यानी मैक्सिको में एक नदी है जिसका नाम टोराको है, उस नदी में एक आइलैंड था। आइलैंड यानी बहुत बड़ी जमीन, पानी के बीच में बहुत बड़ी जमीन होती है, बहुत बड़े, बहुत एकड़ों पर जमीन होती है, पथरीली जमीन वगैरह। तो वहां पर ये लोग आकर अपने शेल्टर बनाए, यानी रहने करने के लिए अपने झोपड़ियां वगैरह बनाए, और वहां पर आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों ने एक शहर भी आबाद किया जिसका नाम है टेनोक्टिटलान। टेनोक्टिटलान इसका, इस शहर का नाम क्या है, टेनोक्टिटलान, TENOCHTITLAN, टेनोक्टिटलान। ये शहर का नाम है जिसे एजटेक्स लोगों ने आबाद किया, और आज भी Then they took new areas under their control and established an empire. जैसा जैसा वक्त गुजरता गया ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुनियादें, अपनी बुनियादें मजबूत करने लगे ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों ने एक हुकूमत भी कायम कर दी, एक गवर्नमेंट भी ये लोग बना दिए। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग रहते रहते क्या कि एक गवर्नमेंट बनाए। इवन टूडे देर आर इंडियंस इन मैक्सिको हु आर द डिसेंडेंट्स ऑफ एजटेक्स। आज भी बच्चों कुछ कितने ऐसे इंडियंस हैं
जो एस्टेक्स के नस्ल के हैं, मतलब एक इंडियन कंट्री के, इंडियन सिटीज के ये लोग थे। जैसे मैंने कहा कि ये लोग खानाबदोश है, अमेरिका के नहीं थे, तो यहाँ इंडिया से निकलकर वो लोग वहां पे रहते, रहना शुरू किए थे। आज भी उनकी नस्ल वहां पर मौजूद है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। द बेस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन आर फाउंड ऑन देयर बिल्डिंग्स। ये लोग वहां पर रहकर उस आइलैंड पे जो बिल्डिंग्स बनाए, उस बिल्डिंग पर इनकी नक्शो निगारी के सबूत मिलते हैं। इनके नक्शो निगारी, इनका डिजाइन वर्क कर, डिजाइन करने का इनका जो हुनर है, ड्राइंग का, इनका आर्ट का जो हुनर है, उस बिल्डिंग से हमें मालूम होता है। जैसे जैसे कि ऊंचे ऊंचे उन लोगों ने मंदिरें बनाए, ठीक है, बड़े बड़े मंदिरें बनाए, और बड़े बड़े रिलीजियस इवेंट्स करने के लिए एक जमीन बनाए, ठीक है, एक जगह बनाई जहां पर वो लोग अपने मजहबी ईद बारात को मनाते थे, और वो लोग लिखने के लिए हीरोग्लाइफिक राइटिंग इस्तेमाल करते थे। ठीक है। और ये लोग हीरोग्राफिक राइटिंग किन लोगों से सीखा था? मायास के लोगों ने सीखा था। मायास के लोगों से इन्होंने हीरोग्राफिक राइटिंग सीखी थी। मायास के लोग, जैसे मैंने कहा कि ये लोग एंटर होने के बाद मायास के लोगों के दरमियान रहे, तो जब वो लोग मायास के लोगों के दरमियान रहे, तो वो लोगों ने इनको हीरोग्लाइफिक राइटिंग सिखाई। देयर अल्मेनाक गेव द डेट्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो द लिस्ट ऑफ गॉड्स इन्फ्लुएंसिंग इवेंट्स पीरियोडिकली। ट्रेड कनेक्टेड टेनॉक टिटलैंड विद फार ऑफ प्लेसेस ऑफ एम्पायर। सोल्जर्स वे गेव प्रोटेक्शन टू द ट्रेडर्स सिंस दे वे नो एनिमल्स टू कैरी लोड्स। मैनुअल लेबर्स वे एम्प्लॉयड एज बीस्ट ऑफ बर्डन टू कैरी देम। ये टेनोक्टिटलान शहर में जब ये लोग कारोबार करते, कौन? एस्बेक्स लोग कारोबार करते, तो इस कारोबारों को और इस शहर को हिफाजत करने के लिए वहां पर उनके दरमियान कुछ लोग सोल्जर भी बन गए थे, यानी सिपाही बन गए थे। सिपाही बनकर बड़े बड़े तीर अपने हाथों में लेकर वो लोग क्या करते, आइलैंड के किनारे पर, आइलैंड के बॉर्डर पर रहते थे, ठहरते थे रात दिन, ताकि लोग उनकी हिफाजत, लोगों की हिफाजत की जाए। आज भी हर कंट्री का बॉर्डर होता है, बॉर्डर में आर्मी होती है, उसी तरह वहां पर भी सोल्जर की आर्मी थी। अब चूंकि अगर कारोबार में, बिजनेस करते वक्त अगर बड़े बड़े सामान अगर किसी चीज पर रख कर ले जाना होता, तो वहां पे आइलैंड में जानवर तो होते नहीं थे, जैसे कि गधा हो, घोड़ा हो, बैल हो, तो लोगों को ही, लोगों में से जो बहुत बहादुर आदमी है, जो बॉडी बिल्डर है, जो मजबूत आदमी है, उसे सामान उठाकर ले जाने के लिए एम्प्लॉय बना के रखा जाता था। ठीक है। और उसके अलावा वो लोग अपने टेनोक्टिटलान शहर से मायास को, माया को और दूसरे इनाक सिटीज को जाने के लिए, क्योंकि वो लोग बीच, पानी के बीच में रहते थे, तो पानी के दरमियान से गुजरने के लिए वो लोग बोट्स का इस्तेमाल करते और कश्तियों का इस्तेमाल के जरिए से वो लोग अपना बनाया हुआ सामान, अपना तिजारत का सामान दूसरे शहर को ले जाकर बेचने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करते थे। देयर मेन क्रॉप्स वेयर, और वो लोग जो खेती बाड़ी करते, कौन से करते थे? दालों की खेती बाड़ी करते थे। दाल, पल्सस, मसूर की दाल, तुवर की दाल, और पेपर बनाते थे, और फ्रूट्स बनाते थे, टमाटर का, और टोबैको और कॉटन वगैरह की ये लोग खेती बाड़ी करते थे। एस्बेक्स यूज्ड देयर वेल्थ एंड पावर टू मेक देयर लाइफ लग्जरियस इन द कैपिटल। और ये लोगों को उनके कारोबार से बहुत मुनाफा भी होता था, बहुत फायदा भी होता था, और बहुत, और जो जो भी दौलत इन्हें अपने कारोबार से मिलती, उस दौलत का इस्तेमाल करके वो लोग अपनी जिंदगी को बहाल करने के लिए, जिंदगी ऐश और आराम में गुजारने के लिए उस दौलत का इस्तेमाल करते थे। उनका जो बादशाह था, एस्बेक्स के लोगों का बादशाह, बहुत बड़े महल में रहता था। ठीक है। उस महल में रहता था, और उसके उसके महल में उसके हाथ के नीचे बहुत बहुत सारे नौकर हुआ करते थे। द नोबल्स एंड इन्यूमरेबल स्लेव्स वेयर अंडर हिम। और उसके वजीर, बादशाह के वजीर, बादशाह के गुलाम, बादशाह के मिनिस्टर्स, बादशाह के ऑफिसर्स और बादशाह के नौकर उसके हाथ से, हमें उसके हाथ के नीचे हमेशा रहते थे। देयर वर बिल्डिंग्स, गार्डन्स एंड दोस नियर द पैलेस। उसके महल के अतराफ ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स रहते थे, जिसमें बादशाहों के, जिसमें नौकरों के लिए, जिसमें मिनिस्टरों के लिए, जिसमें ऑफिसर्स के लिए उसने घर बना के रखे थे, और उसने एक बहुत बड़ा गार्डन भी बनाया था चहल कदमी के लिए, रहने करने के लिए। और उस आइलैंड पर तीन बड़े बड़े रोड भी थे, रोड, तीन बड़े बड़े सड़कें भी थे।